नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। केंद्र के 3 कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर दिल्ली की सीमाओं पर कुछ किसान संगठन धरने पर बैठे हैं। इस धरना प्रदर्शन को 100 दिन पूरे हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसानों के इस आंदोलन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही, बल्कि कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों से की गई, लेकिन किसानों का आइडियल रुख के चलते कोई भी हल नहीं निकल पाया। आरोप यह भी लग रहा है कि चंद किसान संगठन विपक्षी राजनीतिक दलों के इशारे पर मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगे हैं। इतना ही नहीं, आंदोलन का खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान जिस तरह से हिंसा हुई, उसके बाद इस आंदोलन पर सवालिया निशाना लग गया। किसानों के नेता राकेश टिकैत पर राजनीतिक साठगांठ के तहत आंदोलन चलाने का आरोप भी लगा। अब जो खबर सामने आई है उससे पता चलता है कि इस आंदोलन का मकसद किसानों से कम राजनीति से ज्यादा लेना देना है। हरियाणा के झज्जर जिले में पास ढांसा बॉर्डर पर चल रहे धरने के दौरान एक छात्रा ने किसान नेता राकेश टिकैत से ऐसा सवाल पूछा कि वो जवाब ना दे सके। इसके बाद काफी हंगामा हो गया और छात्रा का माइक बंद करा दिया गया। मंच पर पहुंची छात्रा ने कहा कि राकेश टिकैत ने यह तो बता दिया कि कृषि कानून से कितना नुकसान होगा, मगर ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती तब तक हम सरकार के खिलाफ बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। छात्रा ने आगे कहा कि मैं पूछना चाहती हूं कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में सरकार और किसानों के दोनों के पक्ष में 1% या फिर 0.25% भी पीछे नहीं हट रहे तो फिर समाधान किस बात का होगा। ये जवाब सभी को चाहिए ताकि युवा भी परेशान ना हो और किसान भी परेशान ना हो। यही नहीं, इसके बाद छात्रा ने 26 जनवरी हिंसा से जुड़ा सवाल पूछा, लेकिन छात्रा ने पूछा कि अगर उस दिन हुई हिंसा के जिम्मेदार प्रदर्शनकारी नहीं है, सरकार नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है। इस पर छात्रा का माइक वापस मांगा जाने पर कहा गया और माइक का साउंड भी बंद कर दिया गया। लेकिन मैं राकेश टिकैत जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जिनसे ये मैं चाहता हूँ कि वो जवाब मिले, वो करने का समाधान मिले, वो ये मिले कि देश का युवा भी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो। आपने बोला कि गांव की जो महिलाएं हैं वो 4-5 रोटियां बनाकर लाए, मेल मिलाप हो जाए, अपना करना जारी रहेगा, जिससे ये बहुत अच्छी बात रही आपकी। तो आप मुझे एक समाधान ये बता दीजिए कि आपने तो बोला कि संसद के या सरकार के खिलाफ हम बैठे रहेंगे, धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बैठे रहेंगे, अड़े रहेंगे। 1% यानी 0.05% भी मान लिया कि सरकार भी ना अड़ी, आप भी ना अड़े, लेकिन उस चीज का कहां पर अंत होगा और इससे हमारे समाज के ऊपर, हमारे मेल मिलाप के ऊपर, जैसे 15 अगस्त की घटना हो गई जिसमें कि आप लोगों का हाथ था नहीं था ये हम नहीं जानते। 26 जनवरी अरे मैंने कहा बोला आपका, तो मैं तो मना कर रहा हूँ सरासर। तो ऐसे आप लोग तो ऐसे गलत कर रहे हो ना कि जब आ रहे तो देश का युवा सवाल पूछेगा ही, देश का युवा सवाल पूछेगा ही। बेटी अपना नाम बताओ, पूरा 7 तारीख को है ना, छात्र संघ की दलाल बता दें कि शुक्रवार शाम को राकेश टिकैत यहां आंदोलनकारी किसानों को संबोधित करने आए थे। यहां पर विनोद गुलिया की अध्यक्षता में धरना चल रहा है। छात्रा जब मंच पर पहुंची तो उसे माइक दिया गया, लेकिन जैसे ही उसने सवाल किए तो स्टेज पर माहौल गर्मा गया। हालांकि बाद में कुछ किसान नेता और महिलाएं छात्रा को समझाने के लिए भी आई, लेकिन इस वारदात से ये तो साबित होता है कि किसान आंदोलन की आड़ में जो किसान नेता कर रहे हैं वो शायद उनको खुद को नहीं पता। वो सिर्फ एक राजनीति जो नेता हैं उनके कहे पे चलने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन असल क्या है ये ना तो किसान जानते हैं और ना ही सरकार और आम जनता। ये सिर्फ किसान नेता जानते हैं कि किसके कहे पर वो ये सब कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।